देखिए, जब किसी के पास कोई जाएगा तभी कोई चीज़ लेके आएगा। तो जो माननीय प्रधानमंत्री जी का रूस का दौरा है वो देश के लिए, समाज के लिए, देश की सुरक्षा के लिए वो दौरा है, देश हित के लिए है। और जो भी काम माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं वो देश के लिए कर रहे हैं। एक बड़ा सवाल है, जो कुकी और मैत्री समाज के लिए वहाँ पे शिविर बनाए गए, उन शिविरों में जाएंगे, वहाँ के लोगों से मुलाकात, क्या दिक्कत है? कोई रोक तो नहीं रहा है, सब लोग स्वतंत्र हैं, कोई कहीं जा सकता है, जाना चाहिए। जा रहे हैं तो अपना जाके जो वहाँ कमजोरी है, जो कमी है, उसको सरकार को बतावें कि ये कमी इसको दूर करिए। विपक्ष का जो काम होता है उसको अपना निभावें। हाथरस भी वो गए थे, हाथरस के मंत्री जी को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने तमाम तरह की अपील की कि जैसे कि मांग भी की उन्होंने कि जो उन लोगों को मुआवजा दिया जा रहा है उसकी धनराशि बढ़ाई जानी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री जी को कई सलाहें भी दी और ये भी कहा कि कांग्रेस ऐसे बुरे वक्त में आप सरकार के साथ खड़ी। अच्छी बात है, जो सुझाव उनके मुख्यमंत्री को मिले हैं उस सुझाव पर मुख्यमंत्री विचार विमर्श करके बात आगे करेंगे, और करना होगा। हाथरस के जो बाबा हैं उनका वकील कह रहे हैं कि ये जो घटना है, बाबा के वकील ने बताया है कि वहां पे जहरीली गैस छोड़ी गई जिससे भीड़ में भगदड़ मची और उसके बाद ये इतनी बड़ी घटना हो गई। कैसा देखिए, जांच टीम गठित हो गई है, जांच हो रही है। अगर वकील साहब ऐसा कह रहे हैं तो जांच में जैसा आएगा वो सबके सामने ओपन हो जाएगा, उनके कहने से थोड़ा हो जाएगा। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, निशाना साध रहा है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी पार्टी की मांग को दोहराते हुए ये बात कही कि सरकार को चीन के साथ सीमा पर स्थिति पर राष्ट्र को विश्वास में लेना चाहिए। खड़गे ने एक्स पर एक मीडिया रिपोर्ट साझा की जिसमें उपग्रह चित्रों का हवाला देते हुए दावा किया गया था कि चीन की सेना पूर्वी लद्दाख के पेंगोल झील के आसपास के क्षेत्रों में लंबी दूरी तक खुदाई कर चुकी है और लगातार अपनी सीमा को बढ़ा रही है। तो एक्स पर लिखने से जो लिख रहे हैं बड़े नेता हैं, उनको तो प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से टाइम लेकर के मिल करके ये अवगत कराना चाहिए कि इसका निदान हो। एक्स पर लिखने से थोड़ा होगा, विपक्ष का भी काम है कि अगर कहीं कोई गड़बड़ी हो रही है तो उसकी जानकारी अगर उनको हो रही है तो उस बात पे गृह मंत्री जी हैं, रक्षा मंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, इन लोगों से समय लेकर के बैठ करके बात करनी चाहिए कि ऐसा हो रहा है, इसमें इसका निस्तारण किया जाए, इस पर विचार विमर्श उनको करना चाहिए।